everyone, hello, namaste, welcome and welcome back to Get Peppy with me. So how are you all? I hope everyone is doing beautiful, brilliant, happy. And seeing the title, you guys might have understood ki aaj main fir se Malabar aa gayi hu divine collection ke bahut hi acche pieces aap logon ke liye leke aayi hu. Starting below 2 lakh rupees, 1.5 lakh rupees se bhi aapko beautiful pieces dekhne ko mil jayenge of short necklaces, necklace sets, amazing finish in red mud, old gold, antique finish which you guys are going to enjoy. So before you get mesmerized into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आप नेक्स्ट टाइम भी देख सके, रिकमेंडेशंस में आते रहे एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कम डाउन टू द स्टोरी इफ यू लाइक दिस वीडियो. वैसे डिवाइन कलेक्शन है ही पॉपुलर फॉर डिवाइनली पीसेस एंड दिस वन इज वन ऑफ द डिवाइनली नेकलेस विथ रूबी पोटा एंड नीचे पर्ल डिटेलिंग एंड रेड मड फिनिश के साथ विच इज जस्ट सो ब्यूटिफुल टू सी. ऑल्सो इट्स अ वेरी न्यू डिजाइन इफ यू गाइज आर सीइंग द वर्कमैनशिप. टेम्पल में जो डोर्स होते हैं वही डोर्स से इंस्पायर्ड है ये वाला डिवाइनली नेकलेस. इसका टैग मैं आपको दिखा रही हूँ. नेट वेट है 35.322 ग्राम्स फॉर दिस ब्यूटिफुल पीस विच इज लाइट वेट, इट्स नॉट दैट हैवी ऑल्सो, पर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा लुक वाइज. इसके सारे डिटेल्स आप ऊपर देख सकते हो. मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पीस इज अ डिवाइनली गॉडेस लक्ष्मी बुट्टू डिटेलिंग नेकलेस विच इज कमिंग इन अ वी शेप एंड टीयर ड्रॉप पैटर्न में आप गॉडेस लक्ष्मी यू कैन सी सिटिंग इन साइड अ लोटस. नीचे छोटे छोटे बॉल डिटेलिंग है विच इज लाइक अ घुंगरू विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड घुंगरू में बहुत ब्यूटिफुल आवाज भी आती है एंड रूबी पोटाज है इसमें. एंड इसका इतना अमेजिंग फिनिश है, बी इट द गोल्ड वर्क, द फिनिश और द डिजाइन, एवरीथिंग इन इट इज हैंड क्राफ्टेड टू परफेक्शन. एंड यू कैन सी द टैग दैट आई एम शोइंग टू यू गाइज विच यू कैन मेक अ नोट ऑफ. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस भी सारे आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे ऑफ दिस ब्यूटिफुल नेकलेस विच इज अवेलेबल इन डिवाइन कलेक्शन. इसका टैग पहले आप देख लो, 22 कैरेट गोल्ड. नेट वेट इज कमिंग क्लोज टू 50.300 ग्राम. वेस्टेज एंड अदर डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टॉप अबाउट. दिस इज अनदर पीस विच इज अ शॉर्ट नेकलेस लाइक दिस विच इज कमिंग इन चांद बाली डिटेलिंग, फ्लावर डिटेलिंग, रूबी पोटा एंड पर्ल डिटेलिंग. एंड ऊपर आप पूरे बॉल डिटेलिंग में नेकलेस देख सकते हो इन ट्रिपल लेयर एंड सेंटर पेंडेंट में यहाँ पर आप देख सकते हो रूबी पोटा है. साइड ब्रोचेस में भी रूबी पोटाज है विच इज अगेन एंडिंग इन टू अ टू लेयर लाइन डिटेलिंग नेकलेस. दिस काइंड ऑफ पीसेज आर रियली वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र. तो इसका टैग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पिक्चर आप जरूर ले लीजिएगा. नेट वेट ऑफ दिस इज कमिंग क्लोज टू 29 ग्राम्स के ऊपर एंड वेस्टेज अदर डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अबाउ. सो दिस वन इज अनदर नेकलेस विच इज लाइक अ रियली वेरी पॉपुलर कलश डिटेलिंग नेकलेस. यूजली इस तरीके के यू नेकलेसेस जो होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि लाइट वेट में है एंड इसमें आप दो कलर्स देख सकते हो, ग्रीन कलर एमरल्ड्स एंड रेड कलर रूबीज विच इज लुकिंग रियली वेरी वाइब्रेंट टू सी. एंड नीचे पूरे कलश के डिटेल है कॉइन डिटेलिंग में जो एंड हो रहा है. नेट वेट इज 31 ग्राम्स के ऊपर एंड वेस्टेज इज 16.90%. प्राइस एंड अदर डिटेल्स आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो. इसका रेड मड फिनिश जो है बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी एंड शाइनी है. एंड वैसे सारे ही गोल्ड के जो ज्वेलरी होते हैं मालाबार में इनका फिनिश एंड जो लुक है एकदम मैट होता है. इसका भी लुक एकदम मैट फिनिश में है जो कि बहुत ब्रिलियंट लग रहा है देखने में, जो कि कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल लुक्स में चार चांद लगा देगा विदाउट एनी डाउट. ऐसे आपको बहुत सारे पीसेस देखने को मिल जाएंगे एट द कुकटपल्ली स्टोर ऑफ मालाबार. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट पीस. मूविंग अहेड टुवर्ड्स अनदर पीस दैट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस इज दिस काइंड ऑफ मैंगो डिटेलिंग शॉर्ट नेकलेस which is looking with amazing with rubies, emeralds and pearl detailing and ball detailing. ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड है. मतलब when we talk about meticulous workmanship, this piece will definitely be an example of it. क्योंकि light weight में इस तरीके का design करना it's really very difficult and I would definitely appreciate the craftsmanship of this kind of a piece. तो आपको एक कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिए. हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, like if you're seeing we don't see any motifs of gods and goddesses, but this piece is definitely very unique in itself and speaks languages for people who like designer pieces. नीचे देखिए पर्ल में भी इस तरीके का कैपिंग है एंड साइड्स में इस तरीके का रूबी डिटेलिंग भी है. लुक में आपको बता रही हूँ कि वेर इट इज अ लॉन्ग रानी हरमोन और 3/4 हरम ऑल्सो. इसका टैग मैं आपको बता रही हूँ स्क्रीन पर. यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड कम टू द स्टोर. नेट वेट ऑफ दिस इज कमिंग क्लोज टू 32 ग्राम्स के ऊपर एंड वेस्टेड एंड अदर डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अबाउ अलॉन्ग विद द प्राइस डिटेलिंग. नेक्स्ट पीस जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस तरीके का बोटू डिटेलिंग नेकलेस है. बोटू डिटेलिंग के नेकलेसेस आपको डिवाइन कलेक्शन में ज्यादा ही देखने को मिलेंगे बिकॉज दिस काइंड ऑफ बुट्टू डिटेलिंग कॉन्सेप्ट, गुट्टे पुसलू डिटेलिंग कॉन्सेप्ट आर रियली वेरी पॉपुलर हियर इन साउथ एंड डिजाइन वाइज ऑल्सो इट गिव्स यू अ वेरी होलसम लुक इन अ वेरी वेरी लाइट वेट. सो इसमें आप देख लीजिए बुट्टू डिटेलिंग के अंदर यू कैन सी फ्लावर डिटेलिंग विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. द सर्क्यूलर डिस्क आर रियली वेरी जोमेट्रिक एंड डिजाइन वाइज इट्स अ वेरी मेटिक्यूलस पीस. तो इसका डिजाइन लुक सब आप देख लीजिए. टैग इसका देख लीजिए 22 कैरेट के गोल्ड में रेड मड फिनिश में एंड नेट वेट ऑफ दिस पीस इज कमिंग क्लोज टू
25 ग्राम्स के ऊपर एंड वेस्टेज एंड अदर डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टॉप अबाउट. ये पीस मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसका लुक आगे से भी बता दूं कि कैसा लगता है. टोटली लव दिस काइंड ऑफ डिजाइन एंड डिटेलिंग अवेलेबल एट मालाबार स्टोर ऑफ कुकटपल्ली. अगर आपको पसंद आया तो स्टोर पर जरूर आ जाइए. नेक्स्ट पीस जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस तरीके का लेयर्ड लाइनो पीस है. इसमें एकदम मैट फिनिश में यू कैन सी सैंड फिनिश विच इज गिविंग यू अ वेरी 3D काइंड ऑफ अ लुक. एंड नीचे फ्लावर डिटेलिंग देख लीजिए कितना जोमेट्रिक है, सिमेट्रिकल डिजाइन है विच इज लुकिंग वेरी pleasing to see to the eyes. Usually gold jewelry में अगर heavy stone detailing होता है तो उतना appealing नहीं लगता है. ये piece में stone detailing में सिर्फ red stone detailing जो है बहुत ही symmetrical and beautiful लग रहा है. Tag आप देख लीजिए screen पर इन pure 22 carat के gold के making में है. एंड इसका नेटवेट आपको पड़ेगा 27 ग्राम्स के ऊपर. वेस्टेज इज 19.90% एंड प्राइस एंड सारे डिटेल्स आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो. इस तरीके का पीस तो मैंने शायद ही कभी देखा होगा तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं. इसका बेल्ट का जो डिटेलिंग है कितना ब्यूटीफुल है. दिखने में हैवी लग रहा है पर बहुत लाइट वेट है. दिस इज अनदर पीस जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था. इट वॉज इन रेड कलर जो सेंटर पेंडेंट था. इसमें सेंटर पेंडेंट देखिए ग्रीन कलर में है. ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. इफ यू लुकिंग एट द वर्कमैनशिप ऑफ दैट नेकलेस एंड दिस नेकलेस दीज पीस can be actually worn as 3/4 harem or long rani harem क्योंकि पीछे हम लोगों को ऐसे pieces में thread मिलता है. तो देखिए कैसा है इसका look. Stone detailing, green color stone, red color stone, pearl detailing, ball detailing, everything is like crafted to perfection for people who like designer jewelry in low wastage. तो ये इसका tag आप देख लीजिएगा screen पर जो मैं आपको बता रही हूँ. Net weight is 32 grams, wastage is 18.50% for this piece also which is like an adjustable piece, super beautiful. Next piece जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वाला तो एकदम vintage Victorian style में आप लोगों के लिए piece लेके आई हूँ. 22 carat gold. Yes, you heard it right, क्योंकि usually Victorian detailing जो होती है 18 carat के gold में देखने को मिलती है but this one I bought for you in 22 carat gold and ये जो है super adjustable है. Side brooches जो है इस तरीके से attached है. अगर आप चाहें तो इसे detach भी कर सकते हो इन द बेल्ट ऑफ द गोल्ड. ये थोड़ा एंटीक फिनिश में है एंड इट्स रियली वेरी कंटेम्प्रेरी. एंड ये सेंटर पेंडेंट देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है. सीजेड स्टोन्स क्यों ना हो या कलर स्टोन्स क्यों ना हो, पीकॉक डिटेलिंग क्यों ना हो या नीचे पर्ल डिटेलिंग में छोटे बॉल्स भी क्यों ना हो, एवरीथिंग इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इट्स रियली वेरी सॉफ्ट. इसका टैग आप देख लीजिए स्क्रीन पर. 22 कैरेट के गोल्ड में है. नेट वेट इज कमिंग क्लोज टू 55 ग्राम एंड वेस्टेज इज 18.90%. प्राइस एंड अदर डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टॉप अबाउट. तो ये was the complete video of amazing necklaces from the Divine collection and soon I'll upload more collection and more jewelry from Malabar. Stay tuned for the complete video guys. Take care and have a good day. Bye bye.